हेलो दोस्तों, आज हम लेसन करेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेसन का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक, और जो डेबोरा कावले के द्वारा लिखा गया है, ये आप उसका राइटर चेक कर सकते हैं, डेबोरा कावले। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक 11 साल की लड़की की कहानी बताई गई है, जो कि अपनी 11 साल की एज में आके, मतलब धीरे 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 11 साल की एज में आके बिल्कुल बहरी हो जाती है, डीफ हो जाती है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट सी लव्स म्यूजिक, उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, और अब उसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता। तो किसी ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि भाई आप लोग इसको बहरों के स्कूल में एडमिशन दिला दो, बट वो लड़की इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मैं ना अपना नॉर्मल जीवन जीऊँगी। और वो इतना हार्ड वर्क करती है कि कानों से न सुनने पर भी वो अपने बॉडी के अदर पार्ट्स से म्यूजिक को फील करना शुरू कर देती है, और एक बहुत बड़ी वर्ल्ड फेमस वाद्य यंत्र बजाने वाली बन जाती है। तो स्टोरी है कुछ इस प्रकार है, और इसको हम हिंदी में देखते हैं। बाकी फुल लेसन के पेजेस मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता चले कि उस लेसन में स्टोरी क्या थी, बस यही। क्योंकि MCQs ओनली स्टोरी पे बेस होते हैं, लाइन टू लाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास टाइम है और आप लाइन टू लाइन हिंदी करना चाहते हैं, इसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, और इस लड़की का नाम है इवलिन। ओके, तो इवलिन की स्टोरी हम शुरू करते हैं। ये एक स्कॉटिश लड़की है, ओके, और ये जब 11 साल की थी तो बिल्कुल बहरी हो गई थी, किंतु वह फिर भी वर्ल्ड की महानतम ढोलक वादकों में से एक बन गई। वह संगीत सुन नहीं सकती थी, किंतु वह इसे अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट के थ्रू रियलाइज कर सकती थी। इवलिन जब अपने बचपन में संगीत का बहुत शौक रखती थी, वो जब उसकी एज 8 साल की थी, तो एक दिन उसकी माँ ने देखा कि इवलिन के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसको लगा कि उसके भाई कुछ जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया, और उसकी माँ को ऐसा कुछ महसूस हुआ हो। तो जैसे ही ये जब छोटी थी तो पियानो बजाने के लिए स्कूल में, जैसे कि मान लो कहीं गई है, कॉम्पिटिशन वगैरह है, तो पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी। लेकिन उसका नाम बार बार पुकारा जा रहा था, उसको बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन जो इवलिन है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो ये दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। ये उसका पहला इंडिकेशन था कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है। बट इवलिन क्या करती थी, फिर भी वो जो अपने फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, उनसे ये बात छिपाती थी। बट जब वो 11 साल की हो गई तो धीरे 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 उसकी ये बिल्कुल चली ही गई, सुनने की जो क्षमता थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और जो उसका क्लास परफॉर्मेंस था वो भी बहुत डाउन आ गया था। बट फिर जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उसने उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और उससे इसका चेकअप करवाएं। तो उसके पेरेंट्स उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, और वो बताते हैं कि भाई इसकी तो जो सुनने की क्षमता है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और इसे फिर लोग परामर्श देने लगे उसके पेरेंट्स को कि आप इसको किसी बैरों के स्कूल में भेज दें। और इवलिन के लिए ये सब कुल बिल्कुल एकदम से अंधेरे जीवन की तरह प्रतीत होने लगा, किंतु इवलिन ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसने एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने का निश्चय किया, और उसने संगीत में अपनी रुचि इतनी बना ली कि उस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने की वो कोशिश करने लगी। मोस्टली टीचर उसको डिस्करेज करते रहते थे कि बैरी है, ये क्या कर सकती है, ये है वो है। बट एक दिन एक रोन फोरबेज नाम का जो एक फेमस ढोलक वादक था, उसने जो उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी जो योग्यता थी, उसने उसको भांप लिया, और उसने उसको कहा कि अपने कानों के द्वारा मत सुनो, अपने कानों के द्वारा मत सुनो, जो ये म्यूजिक है इसको दूसरी तरह से महसूस करने की कोशिश करो। फोरबेज ने दो बड़े बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में बजाया,
इवलिन को अचानक महसूस हो गया कि वह ऊंची आवाज़ वाले ढोल को अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी, और जो स्लो साउंड में था ढोल, उसको वो अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी। पोरवेज ने इस क्रम को फिर से दोहराया और जल्दी ही इवलिन को पता चल गया कि वह विशेष स्वर को अपने शरीर के विभिन्न माध्यम से महसूस कर सकती थी। उसने जो साउंड्स और जो वाइब्रेशंस थी उसको अपने मन और शरीर उनके थ्रू अपने मन और शरीर को खोलना सीख लिया था। उसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसने मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि आयरन डिटर्मिनेशन, लोहो जिसको बोलते हैं, लोहे जैसा दृढ़ निश्चय, और अपना हार्ड वर्किंग से ये सफलता प्राप्त की, ये उसी का रिजल्ट था। बट जब वो 16 साल की हो गई तो उसने अपन संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया, और वह लंदन चली जाती है और वहाँ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन ले लेती है। और जब एडमिशन टेस्ट होता है ना, तो उसमें वो मतलब इतना हाई स्कोर करती है कि हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना हाई स्कोर नहीं किया होगा। वह वहाँ पर अपने 3 साल का कोर्स पूरा करती है, और जो उच्चतम पुरस्कारों में से अधिकतर वो जीत भी चुकी होती है वहाँ पे। इवलिन ने एक युवा वाद्य यंत्र के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया, किंतु धीरे धीरे उसने वाद्य यंत्र को छोड़कर एकल वादन शुरू कर दिया। वह लगभग 1,000 ढोल यंत्रों को बहुत ही कुशलतापूर्वक बजा सकती थी, और यह देखकर हैरानी होती थी कि किस तरह एक बहरी लड़की वाद्य यंत्रों को इतनी सहजता से बजा सकती थी। किंतु उसकी जो महान अपॉर्चुनिटीज थी उसके बावजूद भी उसमें कोई घमंड नहीं था, कि उसमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वह कहती थी कि यदि आप परिश्रम करो और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप निश्चय ही वहाँ पहुँच जाओगे, तथा निश्चय ही यह संगीत के संसार की चोटी पर पहुँच गई। क्योंकि उसने तो अपने हार्डवर्क से और अपने जो आयरन डिटर्मिनेशन था उसके थ्रू अपने आप को इतना ऊंचा या तो ऊंची चोटी पर पहुंचा लिया था। वह कहती है कि संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में से रिसता है, झरता है, जैसे कि मेरी चमड़ी में से, मेरे गालों में से, हड्डियों में से, मेरे बालों में भी झुंझुनाहट पैदा कर देता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह ध्वनि को छड़ियों में से होते हुए अपने उंगलियों के अग्रभाग में प्रवेश करते हुए महसूस करती है। ढोलों के साथ झुकने से वह गूंज को अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। किसी लकड़ी के बने मंच के ऊपर वह अपने जूते उतार देती है ताकि वह वाइब्रेशंस को अपने नंगे पैरों से महसूस कर सके, अपनी टांगों के ऊपर वाले हिस्से में आते हुए महसूस कर सके। जो चीज़ हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है, और हमसे कहीं ज़्यादा डीपली महसूस करती है, यानी कि किसी चीज़ को हम जितना सुन के महसूस नहीं कर सकते ना, उतना वो उन सुरों को, तालों को, वाइब्रेशंस को, साउंड्स को महसूस कर लेती है। तो ये इवलिन है जो इसको हार्ड वर्क बहुत पसंद है, और वह स्वयं को काम का कीड़ा कहती है। वह नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त वह जेल घरों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत गोष्ठियाँ करती हैं। बहरे बच्चों के लिए वह एक विशाल प्रेरणा बन गई है। उसने उन्हें दिखा दिया है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे पहुँच ना सकें। और जो ये इवलिन है, ये जो अपनी आयु के डबल आयु के लोगों से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल कर चुकी है, और वह ताल यंत्र को वाद्य यंत्र की अग्रिम पंक्ति में ले आई है, तो उसने दिखा दिया है कि यह बहुत ही मार्मिक हो सकता है। मतलब कि जो इवलिन है वो सभी बहरे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बन गई है कि हमारी जो कोई भी कमी, कोई भी डिसेबिलिटी अगर हमारे अंदर है तो वह हमारे जीवन का अंत नहीं होती। अगर हम मेहनत करें और दृढ़ निश्चय कर लें तो वो हमारे नए जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक की। सुनने के बाद ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू।